अगर आपका TCL का AC है, वो भी इन्वर्टेड AC, और उसमें आपका E3 का एरर कोड दिखला रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो अगर E3 का एरर कोड दिखला रहा तो राइट समझ जाए, उसमें जो है आपका आउटडोर में जो कॉइल सेंसर लगा हुआ रहता है PCB से जुड़ा हुआ रहेगा, इस टाइप में इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है मेरा कह सकते यानी कि इंडोर यूनिट का ये PCB डायग्राम पूरा दिया हुआ है सरल। और यहाँ पर जो आपका आउटडोर में जो इसी तरह का PCB दिया हुआ रहेगा, उसमें जो कॉइल उसी में से कॉइल सेंसर निकाला जाता है, तो आउटडोर का कॉइल सेंसर डायरेक्ट बदलिए या फिर सही से लगा हुआ नहीं होगा उसको सही से लगाइए। वो ख़राब होने की वजह से E3 का एरर कोड दिखलाता है। अब इसमें रह गया E0, E1, E2 का, तो ये पिछला वीडियो में तीनों के बारे में पूरा डिटेल्स में बतलाए हुए। ये आपका चौथा वीडियो है इसमें E3 का एरर कोड आपको दिखलाया गया, तो यानी कि आपको अगर E3 का एरर कोड दिखलाया है तो आउटडोर कॉइल सेंसर के बारे में पूरा डिटेल्स में जान ले, उमरा कैसे ख़राब होते हैं, उसमें से संबंधित क्या क्या फॉल्ट आते रहता है। तो सोचिए मेरा कॉइल कटा हुआ हो सकता है, उसका वायर भी कटा हुआ हो सकता है, होगा यानी कि वो सेंसर ख़राब भी हो सकता है, जैक ढीला हो सकता है, सही जगह पर लगा हुआ नहीं हो सकता, तो ये सब एरर कोड इसका होता है कि सही तरीके से नहीं लगने के कारण भी एरर कोड आपको दिखलाएगा। बस उसको सही तरीके से लगा देते हैं तो भी आपका एरर कोड आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे बहुत कम होता है आउटडोर कॉइल सेंसर की वजह से E3 का एरर कोड। और इस तरह आपका E0 का एरर कोड आते रहता है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।